नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर। मैं हूं आकाश देव शर्मा। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं यात्रा के ऐसे उड़े जुड़े जुड़े कुछ उपायों के बारे में। अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं, या फिर ये तो आप जानते ही हैं कि हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा घूमने के लिए तरजीह देते हैं। अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ दिन बाद कहीं भी घूमने के लिए जाने का हमारा मन बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यात्रा से पहले हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी यात्रा काफी ज्यादा हमें सुखद अनुभूति का एहसास कराती रहे। कई बार ऐसा होता है, हम यात्रा पर जा रहे होते हैं लेकिन कुछ बातों को हम नकार देते हैं, जिसके चलते हमारी यात्रा में बाधा आने लगती है और हमें रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में, जो आप अगर यात्रा पर कहीं जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो आप इन उपायों को जरूर ध्यान में लाइएगा और इनके आधार पर अगर आप अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी यात्रा भी खुशियों भरी होगी। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं आखिर कौन से हैं वो ऐसे उपाय। आपको बता दें, घर से निकलने से पहले घर में स्थित देवता को 11 अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, और अपने घर से निकलने से पहले आपको शुभ चौघड़िया जरूर देखनी चाहिए। आपको शुभ समय में ही किसी भी यात्रा के लिए घर से प्रस्थान करना चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें, घर से निकलते समय शुभ शब्द, पवित्र मंत्र और मंगल वचनों का प्रयोग आपको करना है। साथ ही खुशी खुशी घर से यात्रा पर निकलना है। आपको यात्रा पर जाने से पहले बिल्कुल भी कलेश या कलह अपने घर में नहीं करनी है। रोना पीटना भी बिल्कुल नहीं करना है। शुभ तरीके से, शुभ वचनों के साथ, खुशी के साथ आप अगर यात्रा का शुभारंभ करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वहीं घर में यात्रा से पहले चावल की एक छोटी ढेरी पर कलश रखें और 1.25 रुपया रखकर अगरबत्ती से आरती कर यात्रा के निर्विघ्न होने की प्रार्थना आप करने जाएं। जब यात्रा से आप लौटें, उस कलश को, उस चावलों को आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी यात्रा बहुत ज्यादा सुखद होगी, आपको कोई भी परेशानी रास्ते में बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, घर से निकलने से पहले चींटियों को आटा और पंछियों को दाना जरूर डाल दें। काले कुत्ते को रोटी और गाय को भीगा हुआ अनाज भी खिला दें। अगर आप इसको जाने से पहले करते हैं तो आपकी यात्रा में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, प्रभु आपका जरूर साथ देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें, यात्रा से पहले एक डब्बे में दाल, चावल, आटा, शक्कर, फल, फूल और मिठाई जरूर रखें। यात्रा से आने के बाद उसे किसी योग पंडित को दान कर दें तो आपको ऐसा माना जाता है आपके यात्रा में जो परेशानी आएंगी वो सारी परेशानी इन सब चीजों पर चली जाएंगी और आपको यात्रा में परेशानी नहीं होगी और आपको लाभ जरूर होगा और खुशियों के साथ आप अपने जीवन में कोई भी सुखद यात्रा कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।